हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे स्नैक्स चीज़ी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए चिकन पीसेस, बोनलेस हो तो और भी अच्छा है, लेमन, हाफ लेमन मैंने यहाँ पे लिया है, पिज़्ज़ा चीज़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है, वाइट ब्रेड, और हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए ऑयल। चिकन को हम बिल्कुल पतली पतली लेयर्स में कट कर लेंगे, इस तरह से इसकी हमने लेयर्स निकालनी है। ऐसे पतली पतली छोटी छोटी लेयर्स में इसको कट करना है। इसी तरह से जितने स्नैक्स हमें बनाने हैं हम इस तरह की लेयर्स कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने लेयर्स कट कर ली हैं चिकन की। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे। 10-15 मिनट्स के लिए हमने इसे मैरिनेट करना है। इसके बाद इस पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी इस पर डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सॉल्ट। थोड़ा थोड़ा सॉल्ट हम इस पर स्प्रेड कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए इनको साइड पे रख देंगे। अब ब्रेड के पीसेस लेकर इनके जो एजेस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे चारों साइड से। एजेस कट करने के बाद सेंटर में से हम ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे और एक बेलन की हेल्प से हमें इसे इस तरह से प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसमें हम चिकन की लेयर रखेंगे और साथ ही चीज़। इसको इस तरह से बंद कर देंगे और इसके एज पर हम थोड़ा सा वाटर लगा के इसको हर तरफ से बंद करेंगे। इस तरह के हमने रोल सब रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हमने सब ब्रेड के रोल रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हमने जितने हमें रोल चाहिए उतने रेडी कर लेने हैं। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। ऑयल मैंने पहले से भी गरम किया हुआ है। 1 by 1 इनको हम डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से ब्राउन हो गए, अब हम इसको टर्न कर देते हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन होने तक पकाएंगे।
फ्रेंड्स ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और चीजी चिकन स्नैक्स बनते हैं ये। अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको नैपकिन वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसे। लीजिए, चीजी चिकन स्नैक्स बनकर रेडी हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। इसे हम इवनिंग स्नैक्स और एज अ कॉकटेल स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए आप भी और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।